हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे राज्यसभा का गठन कैसे होता है। भारत में पार्लियामेंट सिस्टम है, तो पार्लियामेंट सिस्टम में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। तो आज जानेंगे कि ये राज्यसभा का गठन कैसे होता है। तो आज हमारा टॉपिक है राज्यसभा का गठन। तो ये जो राज्यसभा है, ठीक है, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो राज्यसभा है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था इंडिया में 3 अप्रैल 1952 को, और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन। और इसका जो मतलब जो टर्म होता है वह 6 वर्ष होता है। तो ये क्या हुआ, राज्यसभा का कुछ परिचय हो गया कि राज्यसभा एक उच्च सदन है जिसका फॉर्मेशन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, और इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष के लिए होता है। अब समझते हैं, भारत में जिस प्रकार लोकसभा के पास पावर है, उस प्रकार राज्यसभा के पास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी लोकसभा राज्यसभा क्या भारत में कानून बनाने के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंस है। तो देखते हैं कि ये फर्स्ट जो बोल रहा है कि अनुच्छेद 80 क्या है, यानी आर्टिकल 80 क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 80 क्या बताता है कि जो भारत में राज्यसभा है, ठीक है, तो राज्यसभा में कितना सदस्य हो सकता है। तो आर्टिकल 80 क्या बोलता है कि जो आर्टिकल 80 है वह बोलता है कि भारत में जो राज्यसभा का जो सदस्य होगा कितना होगा, मैक्सिमम आपका 250, यानी राज्यसभा का इतना ही सदस्य हो सकता है, यानी 250। इसमें भी क्या है कि आपका पाटा गया 238 प्लस 12। देखिए, जो 238 है ये क्या होगा, भारत में जो राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से चुन कर आया जाएगा, ठीक है, यानी जो हमारा स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरी, वहां से चुना जाएगा। और प्लस 12 क्या है, 12 को नॉमिनेट किया जाएगा देश के प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी ये 12 कौन होगा, जैसे कि कला से, साहित्य से, विज्ञान से और आपका सामाजिक सेवा से। तो इन्हें क्या होगा, इन्हें चुना जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो मतलब आर्टिकल 80 क्या बोलता है कि राज्यसभा का मैक्सिमम सदस्य कितना हो सकता है, तो कितना, 250 हो सकता है, जिसमें उसको दो पार्ट में बांटा गया है, 238 प्लस 12, जिसमें 238 क्या होगा, यहाँ आपका मतलब आपका हो गया यहाँ राज हो गया और आपका केंद्र शासित प्रदेश। अब 12 क्या होगा, ये चुना जाएगा मतलब नॉमिनेट किया जाएगा किसके द्वारा, देश का प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी इसका चुनाव नहीं होगा, ये क्या होगा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये हो गया राज्यसभा का मैक्सिमम सदस्य। अगर बात करें, ये तो हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा का कुल सदस्य कितना है। हमको पता चल गया कि मैक्सिमम हो सकता है 250, ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट भी कितना है, तो प्रेजेंट में बात करें तो कितना है, 245, यानी 245 क्या है, राज्यसभा का अभी प्रेजेंट में सदस्य है, उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, 233 प्लस 12। अब ये क्या होगा, फिर वही होगा कि यहां राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। 12 क्या होगा, नामित मतलब नॉमिनेट हो गया किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ये समझ गए, तो मतलब आपका यहाँ कितना हो सकता है मैक्सिमम, 250, वर्तमान में कितना है, 245। अब बोल रहा है कि जो राज्यसभा का सदस्य है उसका योग्यता, यानी उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो राज्यसभा का जो क्वालिफिकेशन है, जिस प्रकार लोकसभा के लिए है उसी प्रकार राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है। सबसे पहला बात इसमें कि जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 30, यानी 30 वर्ष होना चाहिए। अब किसी को भी राज्यसभा का सदस्य बनना है उसको कितना होना, 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। उसके अलावा, ठीक है, अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है तो जरूरी नहीं कि वह उसी राज्य का हो, अगर वह एक बिहार का पर्सन हो तो वह झारखंड का राज्यसभा सदस्य बन सकता है, ये सुविधा दिया गया है। और इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा बोला गया है कि जो राज्यसभा का चुनाव होगा वह क्या होगा, ये आपका मतलब बोल सकते हैं गुप्त मतदान नहीं होगा, ये खुले रूप में मतदान किया जाएगा, यानी खुला वोटिंग होगा। और ये आपका हो गया राज्यसभा का क्या, राज्यसभा का हो गया योग्यता। उसके अलावा बोला गया राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, यानी भारत में जो राज्यसभा है जिसे उच्च सदन कहा गया है, इसका कार्यकाल में टर्म कितना हो, तो अगर बात करें टर्म का, तो टर्म कितना है, 6 वर्ष। यानी भारत में जो राज्यसभा उसका जो टर्म कितना होता है, 6 वर्ष होता है।
और साथ ही जो राज्यसभा क्या एक परमानेंट बॉडी होता है ना, इसीलिए राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है। कितना, जितना भी मेंबर है ठीक है उसका 1/3 भाग क्या होता है, हर 2 वर्ष में चुनाव होता है। इसके कारण राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है और इसीलिए राज्यसभा को बोला गया है परमानेंट बॉडी, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होगा तो ऑटोमेटिक इसे कहा जाएगा परमानेंट बॉडी। लोकसभा क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया लोअर हाउस, इसको गया अपर हाउस ठीक है। तो हम समझ गए कि जो राज्यसभा के सदस्य का काल कितना 6 वर्ष होता है और चुनाव हर 2 वर्ष में होता है, कितना 1/3 मेंबर ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा में होता है एक सभापति और दूसरा उपसभापति। तो जो सभापति होता है ठीक है, जो चेयरमैन होता है ठीक है, ये क्या होता है, ये भारत में जो उपराष्ट्रपति होता है उसे बनाया जाता है ठीक है। मतलब भारत में जो उपराष्ट्रपति ठीक है उसे मतलब राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है। और जो उपसभापति होता है इसका चुनाव कैसे होता है कि जो भी राज्यसभा में जो भी मेंबर है ठीक है वे लोग क्या करेंगे, अपने खुद एक अपना उपसभापति चुन लेंगे जिसका टर्म कितना होगा, 6 वर्ष होगा। तो मतलब राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ठीक है, यानी चेयरमैन होता है। और इसके अलावा उसका उपसभापति कौन होता है, जो भी राज्यसभा का मेंबर है वो क्या करते हैं, अपने नहीं अपने एक उपसभापति को चुन लेते हैं जिसका टर्म 6 वर्ष होता है। तो आखिर इसको क्यों चुना गया, तो जो सभापति होगा वह कौन होगा, उपराष्ट्रपति होता है। तो मतलब अगर सभापति प्रेजेंट नहीं होगा ठीक है तो मतलब राज्यसभा का संचालन कौन कर सकता है, उपसभापति करेगा। इसका टर्म हो गया 6 वर्ष हो गया ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।